रुक करते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 12। यहाँ हम आपको बता दें कि रहमतपुरा क्षेत्र में आज ईगल कंपनी यानी कि ड्रेनेज लाइन कंपनी द्वारा सड़कों की मरम्मत की गई। हम आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे भिवंडी शहर में सड़कों की खस्ता हालात से भिवंडी शहर की जनता को काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका और ईगल कंपनी द्वारा शहर के जो खस्ता हालात थे, जहाँ जहाँ पर गड्ढे का अंबार लगा हुआ था, जहाँ पर ड्रेनेज लाइन के काम की शुरुआत की गई थी, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या शहर में आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पूर्व महापौर जावेद दलवी इनके अथक प्रयास से ड्रेनेज लाइन पर एक प्रेशर डालने के बाद इस काम की शुरुआत की गई, जहाँ पर वार्ड क्रमांक 12 के नगर सेवक साजिद अंसारी ने अपने वक्तव्य में कहते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ जगह जगह पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पर ईगल कंपनी द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं वार्ड क्रमांक 12 की, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक आप देख सकते हैं कि साजिद अंसारी इनके उपस्थिति में वहाँ पर रोड के काम किए जा रहे हैं। वहाँ के स्थानिकों का मानना यह है कि लगभग ये जो रोड था कई वर्षों से यहाँ पर बनाया नहीं गया था, जिसके कारण लोगों को चलना दुश्वार हो चुका था। बात की जाए वार्ड क्रमांक 12 में, तो साजिद अंसारी जो कि वहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, उनके अथक प्रयास से वहाँ पर 24 घंटे पानी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों में एक उत्साह, एक खुशी की लहर देखने को मिल रही। अपने नगर सेवक को लेकर, उसके काम को लेकर जो चुनावी वादा था, उन वादों में से कई वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं साजिद अंसारी। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए वहाँ के स्थानीय नगर सेवक साजिद अंसारी ने अपने वक्तव्य में जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, 20-25 साल से रोड पे आज तक के रोड का काम नहीं हुआ था, और एक साल पहले ड्रेनेज का काम हुआ और बारिश की वजह से ये रोड का काम रुका था। और हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब ने बहुत मेहनत की उन्होंने ये रोड के लिए, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से ही समझ लो ये रोड का मेरा काम चालू हुआ है। और ड्रेनेज वालों का भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे से मेरा ये काम करके दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ड्रेनेज वालों का। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़, धन्यवाद।